और जेवीर वो परी मैदान, चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। हाँ चलो। जयवीर, ये वही जगह है जहाँ सभी परियों ने मुझे अपनी विशेष शक्तियाँ दी थी। हाँ। और कल तुम्हें भी वो सब शक्तियाँ दी जाएगी। हाँ। और होगा ये पूरा परी मैदान कल परियों और डुबा डुबाओं से भरा। जयवीर, यही वो जगह है जहाँ से सारी परियां तुम्हारे जादुई डंड में शक्तियां देगी और फिर रानी परी नीचे आकर तुम्हें शक्तियां प्रदान करेगी। अरे वाह। और कल शक्तियां मिलने के बाद होगी तुम्हारे नाम की जय जयकार। जय वीर, जय वीर, जय वीर, जय वीर, जय वीर। जय वीर, मैं कल के समारोह के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे मेरे जैसा एक भाई मिलेगा जो मेरे साथ मिलकर बुराई को खत्म करेगा। बुराई को नहीं, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ बालवीर। ये सब भयंकर परी का बिछाया हुआ माया जाल है जिसमें तुम बुरी तरह फंस चुके हो। और मजे की बात तो यह है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम जाल में फंसे हुए हो। अरे भागो यहाँ से, मारूंगा तुम्हें। भागो, भागो। बुलाओ अभी के अभी तालवीर को बुलाओ। नहीं, अरे अब तक तो सिर्फ चेहरा काला किया है, अभी वो तालवीर को बुलाएंगे ना तो पूरी बॉडी काली कर देगा। अगर तुम लोगों ने तालवीर को नहीं बुलाया ना तो मैं तुम लोगों को मार मार के तुम्हारी बॉडी नीली पीली कर दूंगा। अयो जल्दी लेके आओ। बस ठुमके लगो। हाँ नाचो। तालवीर आ गया, चुपो। अच्छे अच्छे का बोल बोला, झूठ बुरे का मुंह काला। बिल्कुल सही कहा आपने तालवीर जी। हाँ। हम दूसरों का बुरा करने गए, हमारा ही बुरा हो गया। हाँ तालवीर जी, लाइफ में पहली बार सच बोल रही है गिंडा। तालवीर जी, अच्छे बच्चों की मदद करने के लिए बालवीर है और हम जैसे बुरे बच्चों की मदद करने के लिए आप आए थे, फिर भी एंड में बैंड हमारा ही बचता है। वाह बस बस बोल रहे हो, कंटिन्यू। तालवीर जी, चाहता क्या हूँ मैं, इतना ही ना कि बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी बात माने। हाँ, इससे डरे, इससे छुपे। हाँ, इसको अपना टिफिन दे दे, इसको होमवर्क करे। नहीं नहीं तालवीर जी, मैंने जितना कहा बस उतना ही। अरे रोनी, ये सब तुम अच्छे बच्चे बनकर भी कर सकते हो, बल्कि जितना अच्छा बनोगे उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। बस समझ गया, अब आप प्लीज मेरा फेस नॉर्मल कर दीजिए ना। मेरा? सॉरी सॉरी, मेरा नहीं, हम सबका, हम सबका। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, अब तुम सबको सबक मिल ही गया तो मैं कुछ करता हूँ। धो दे सारे अवगुण, आजा मेरी सपाचट साबुन। ये लो। इधर 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 इधर। ये लो, ये है सपाचट साबुन, घर पे जाकर इससे मुंह धोना, मुंह ही नहीं रहेगा। मुंह पे काला नहीं रहेगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, अब तालवीर चला, अलविदा दोस्तों।
परियों, आज हम सब यहाँ बालवीर की तरह सच्चाई और अच्छाई की एक और शक्ति को जागृत करने जा रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड में फैली समस्त बुराई का नाश करेगी। जयवीर, क्या आप इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? जी रानी परी। परियों, अब बिना देर किए जयवीर को अपनी शक्तियां प्रदान की जाएं। जी रानी परी। भले ही बालवीर का जादुई दंड मुझे हासिल नहीं हुआ, पर उतना ही शक्तिशाली एक और दंड तैयार हो रहा है, जो मेरे वफादार जयवीर के पास होगा। फिर मैं जैसे चाहूं, जब चाहूं, उसका इस्तेमाल करूंगी। जयवीर, ये सभी शक्तियां तुम्हें बुराई के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगी। जी रानी परी। लग रहा कितना शानदार जयवीर। बेवकूफ परियों, यही वो जगह है जहां तुम सब ने बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए एक वीर तैयार किया था, और आज उसी जगह पे मैंने तुम्हारे उसी वीर से लड़ने के लिए अपना एक और वीर तैयार कर दिया है। बुराई से भरा जयवीर तैयार हो गया। बेवकूफ परियों, अब बालवीर को समाप्त करके जयवीर बनेगा नया बालवीर, जो अकेला ही तुम सब परियों पे भारी पड़ेगा। मानव, आज क्लास में सर नहीं है, फिर भी पूरे क्लास में कितनी शांति है। हमारे क्लास में सर की वजह से शांति नहीं है, बल्कि आज हमारे रिजल्ट आने वाले हैं ना, उसके लिए सारे बच्चे डर के मारे चुप बैठे हैं। रिजल्ट के समय थोड़ी टेंशन तो होती है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पर एक बच्चे की मॉर्निंग आज गुड नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चा फेल हुआ है, वो बच्चा जो पूरे साल शैतानियां करता रहा और उसने कभी किताब खोल के नहीं देखी, जिसने स्कूल को गार्डन और क्लास को शैतानियों का अड्डा समझता रहा, ऐसा बच्चा अगर फेल नहीं होता तो क्या होता? सर अब बता दीजिए ना कि वो बच्चा है कौन? नहीं समझे? नहीं। वो बदमाश बच्चा है रोनी, 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 रोनी। हाथी बॉस, अरे आई मीन बॉस। कुछ नहीं, सपना देखा। क्या सपने में आपका कोई खाना छीन के भाग गया था? तुम मुकड़ो ना, सिर्फ खाने के बारे में सोचो। ओके बॉस, एज यू विश। इडियट्स, मैं फेल हो गया। अरे बॉस, इसमें कौन सी नई बात है? अब तो रोज फेल होते हो, हर प्लान में फेल होते हो। इडियट्स, मैं एग्जाम में फेल हो गया था, पूरा क्लास मुझ पे हंस रहा था। बॉस अब आइटम ही हंसने वाली हो क्या? अरे बॉस, इसके कहने का मतलब है कि ये सपना कल सच हो ही जाएगा, क्योंकि कल हमारे स्कूल में रिजल्ट्स है और आपको पता है अपने पेपर में क्या गड़बड़ की है। मैंने सब देखा, लेकिन शायद से तुमको ये नहीं पता कि मेहर वो पेपर मेरे लिए लिख रही थी, अपने लिए नहीं। उसके हर एक आंसर का हर एक मार्क मुझे मिलेगा और मेरे आंसर के सारे मार्क उसे मिलेंगे। वो कैसे? अपने दिमाग से। मैंने मेहर का नंबर अपने रोल नंबर से बदल दिया। मुझे तो सब याद है, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता कि मैंने मेहर के लिए सिर्फ 35 मार्क्स के आंसर लिखे थे। अगर मेरा एक भी आंसर रॉन्ग हो गया ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। सॉरी बॉस, वेरी गुड। क्या मतलब कि बॉस आपको कल वेरी गुड मिलेगा, टेंशन मत लो। हाँ बॉस, इसी खुशी में पिज्जा मंगवाओ। चुप करो इडियट्स। अगर रिजल्ट्स कल आने वाले हैं तो इसका मतलब अब तक तो रिजल्ट्स तैयार हो गए होंगे। हमें किसी भी तरह रिजल्ट्स को क्लासरूम तक पहुंचने से रोकना होगा। मैं अपने स्कूल के प्यून से पता करवाता हूँ कि रिजल्ट्स कितने बजे और कहाँ पहुंचे। जयवीर, अब आप अपनी शक्तियों का परीक्षण करेंगे। जी रानी परी। अरे डूबा डूबा एक कहाँ है? जयवीर अपनी शक्तियों का परीक्षण किस पे करेगा? डूबा डूबा एक, वो रहा, वो देखो। डूबा डूबा एक, हम तुम्हें देख सकते हैं, परीक्षण के लिए आगे आओ। ये परीक्षण तो ले लेगा एक दिन इस नन्हे की जान। ए देवता, मुझे बचा ले। यही मौका है परखने का कि जयवीर भी बालवीर जितना शक्तिशाली है या नहीं। परियो, आज परीक्षण विधि में थोड़ा बदलाव होगा। हम देखना चाहते हैं कि जयवीर की शक्तियां बालवीर की शक्तियों के समान है या नहीं। इसलिए बालवीर, अगर आपको एतराज ना हो तो जयवीर अपनी शक्तियों का परीक्षण आप पर करेंगे। बालवीर,
लेकिन रानी परी, हम ये परीक्षण किसी और पे भी तो कर सकते हैं ना? हाँ रानी परी, क्यों नहीं कर सकते बाल परी? लेकिन अगर ये परीक्षण बालवीर जैसे अनुभवी योद्धा पर होता है तो जयवीर को सीखने का अधिक अवसर मिलेगा। अब सही कह रही है रानी परी, मैं परीक्षण के लिए तैयार। नहीं बालवीर, मैं अपनी शक्तियों का परीक्षण अपने भाई पे नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। जयवीर, ये परीक्षण जो हो रहा है वो सबकी भलाई के लिए हो रहा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है बालवीर, जैसा तुम। तो जयवीर, हम सबसे पहले बाल परी की शक्ति का परीक्षण करेंगे। मैं इस परी मैदान में तूफान से भी तेज दौड़ूंगा और तुम्हें बाल परी के बालों की मदद से मुझे पकड़ना होगा। ठीक है बालवीर। रुक जाए बालवीर। जयवीर, बाल परी की शक्ति का परीक्षण सफल रहा। अब हम गाल परी की शक्ति का परीक्षण करेंगे। जयवीर, अब मैं यहां से छलांग लगाऊंगा और मेरे जमीन तक पहुंचने से पहले तुम्हें गाल परी का गुब्बारा बनाना होगा, और संभाल कर, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो मैं सीधा जमीन पर गिर जाऊंगा जिससे मुझे गंभीर चोट लग सकती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा बालवीर, मैं सही समय पर शक्ति का उपयोग करूं। ठीक है।